हम्म hmm. ये hmm. yeah, 1857 के रिपोर्ट इंडियन स्टेट ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टेट्स इन रिबिलियन इन स्टेट्स में विद्रोह है आपके सामने स्टेट्स इन रिबिलियन ये एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज पूरा स्टेट्स स्टेट्स लॉयल टू द ब्रिटिश विद आर्मी इन रिविलियन स्टेट्स लॉयल टू ब्रिटिश विद आर्मी इन रिवेलियन स्टेट्स तो लॉयल है ब्रिटिश लेकिन आर्मी रिवेलियन पे चली गई है स्टेट्स एडिंग द ब्रिटिश क्लियर कौन सी एरिया है आप लोग को मालूम है ये ये मेजर सेंट्रल स्टेट्स में अम्बाला है मेरठ है दिल्ली आगरा बरेली लखनऊ कानपुर झांसी इलाहाबाद बनारस <coughs> ये ब्रिटिश एरिया अफेक्टेड बाय रिबेलियन ब्रिटिश एरिया ये ये स्टेट्स हैं जो एडिंग द और ये न्यूट्रल स्टेट्स ये गुजरात से सब न्यूट्रल स्टेट है उधर भी कुछ न्यूट्रल स्टेट्स हैं, कुछ एडिंग द स्टेट्स राजा है, आदमी रिविलियन कुल मिला जुला करके इसका जो मेन कारण था बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशन खराब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम देख चुके हैं <coughs> इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी पहले जो एक्सपोर्टिंग कंट्री थी अब इंडिया इंपोर्ट करने लगा था इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन हो चुका था इंडियन सामान के एक्सपोर्ट पे इंग्लैंड में टैक्स लग रहा था फैक्ट्री का का सस्ता सामान आ रहा था, तो बाहर मार्केट भी गया, डोमेस्टिक मार्केट भी गया बाहर का मार्केट भी गया डोमेस्टिक मार्केट भी गया और जो इंडस्ट्री लगी हुई थी शहर में मुरादाबाद में फिरोजाबाद में जहां पे राजाओं के हिसाब से सामान बन रहा था और जो वहाँ के अमीर लोग हुआ करते थे यूरोप के उनके लिए भी वो जो सोने चांदी के कपड़े थे वो जो कटलरी थी वो जो सब बंद कॉटन तक बन कॉटन भी यहां से जाने लगा अब वहां से बन के टेडिकॉट आने लगा इंडस्ट्री बंद होगी पहले चार भाई थे तीन भाई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एक भाई गांव में है हर भाई आज की डेट के हिसाब से अगर कमा करके इंडस्ट्री में काम कर हर महीने वो कमा के अगर रुपए भी भाई घर में भेज दे रहे हैं तो साठ हजार महीने भेज रहे हैं पंद्रह बीघा जमीन है गांव में अच्छी खसी स्थिति कोई तकलीफ नहीं पंद्रह बीस बीघा पे प्रॉस्पेरिटी है गाँव प्रॉस्पेरस अब क्या हुआ ब्रिटिशर्स के आने के बाद से इंडस्ट्री बंद हो गई चारों भाई वापिस वो साठ हजार रुपए जीरो इनका खत्म कर पंद्रह बीघे जो जमीन थी वो भी बटके अब तीन न, कितनी हो गई मतलब चार बीघे से कम हो गए थ्री पॉइंट सेवन फाइव थ्री पॉइंट सेवन फाइव बीघे लोग पौने चार बीघे जमीन सबके हिस्से में तो पौने चारीघे जमीन तो जहां पे पहले प्रॉस्पेरिटी थी पंद्रह बीघे जमीन थी फैमिली थी और रेवेन्यू अंदाजा तो लोग लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा तो गड़बड़ ये यूप यहां पर जो आया अभी तक जब ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं कहीं भी लड़ रहे हैं इधर लड़ने आ रहे हैं तो हो जाती अब एक न, कोई नेशनलिज्म जैसी कोई कोई बहुत कॉन्सेप्ट था नहीं नमक हलाली जैसे कॉन्सेप्ट कि जो हमारा जो हमारा राजा है जो जमींदार है उसी को जान रहे उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो हम जो भी है हम उसके लिए, वो, हम उसकी सेना में, वो हमको पैसा देता हम उसके लिए लड़ते हैं। और सब किसानों के हैं। तो जब तक तो बाहर लड़ रहे थे तब तक तो ठीक था एक तो फिर उसके बाद अब बात आ गई अपने ऊपर जब अपने ऊपर बात हुई तो और ज्यादा दिक्कत शुरू हुई कंडीशन पहले ही खराब है और और जो लोकल पुराने राजा थे वो राजा खत्म हो चुके तो जब राजा खत्म होते हो चुके हो हैं तो राजा के जो जो राजा के सपोर्ट में जो दरबारी थे वो भी खत्म हो गए तो हर जगह त्राही त्राही, त्राही लगभग मची हुई है वो तो जो सोने की चिड़िया भारत था वो खत्म हो चुका तो यहां पे बात है, उसके पूरा पेट्रोल जमा है कारतूस आ गई गाय सुवर वाली माचिस का काम किया और माचिस है काम पेट्रोल रखा लग गई कारतूस है इनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होना है गायसोअर की चरबी है ये माचिस का काम करते ये कहानी विपिन चंदा लिखते हैं कि लेकिन खास बात देखिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हीं इनफील्ड बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है कारतूस भी इस्तेमाल कर रहा है तो ये जिस दि, जिस दि, ये जिस रिलीजन को कोई नाम पर वो जो युद्ध जो लड़ा गया था उसमें तो जिलेजन एक इसको एक नाइकिंग फैक्टर था बस मां का काम किया है असली कंडीशन लोगों की स्थिति खराब हो गई थी उससे लोगों को दिक्कत हो गई और यही वाला एरिया यही वाला मेन मेन एरिया होता है और ये जो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं ये गोरखा और डोंगरा जैसे तो फैजाबाद में डोंगरा बैठा दिया गया अयोध्या में कि यहां पर दोबारा रिबिलियन ना हो बनारस में गोरखा बैठा दिया गया दोबारा रिबिलियन हो और इस जगह के लोगों को आदमी में लेना बंद कर दिया कि यहां के लोग लॉयल नहीं होते कुछ जब कुछ जब जीतने के बाद कुछ ना कुछ इस्तीमा लगा नहीं था मेरठ से शुरू हुआ था मंगल पांडे से बैरकपुर से बैरकपुर से शुरू होता है उसके बाद सब लोग लेकिन उस टाइम तो इसे क्या सब लोग सीधे सब लोग दिल्ली पहुंचते हैं समझ में नहीं आता कि करना क्या है आप ब्रिटिश के खिलाफ करना है लेकिन अब, अब कोई एक लीडरशिप चाहिए तो लीडरशिप देने को तैयार नहीं नेशनल लेवल लेकिन सब भी सब लोग दिल्ली पहुंचते हैं वो जो बादशाह हैं वहां पर जो बहादुर शाह जफर वो बहुत वीक बादशाह है उनके सेनापति सिकंदर बख्श बेगम जीनत महल है ये दोनों लोग मिलकर लग के लगभग समझे रिवोल्यूशन के लोग लीड करना शुरू करते बाद में अरेस्ट करने जाते तो रोने लगते हैं ऐसा कहा जाता है कि भैया हमारी कोई गलती नहीं हमारी कोई गलती नहीं तो हमको जबरदस्ती इसमें मान में रंगूर में डेथ होती है शायर है लिखते हैं कवि हैं हर आदमी हर रोल के लिए नहीं बना होता है उस खानदान में जन्म हो गया तो जबरदस्ती बनो बन भैया तुम तो तुमको बनना पड़ेगा राजा है तो कभी लिखते हैं कि मालूम ही होगा कि दो गज जमीन भी न मिली कितना बदनसीब है जफर कि दो गज जमीन भी न मिली मैं रंगून में ब्रिटिशर्स का ही पार्ट है को कोई अलग नहीं था उस समय के से ये जो स्टेट्स जो एडिंग द ब्रिटिश हैं आपके सामने हैं जिन्होंने में इन्हीं सब की मदद से दोबारा जीता जाता बेटा ये लो उस समय भी रूल किए लो, लो आज भी रूल कर रहे उठा के देख लीजिए ये लो आज भी रूल कर रहे हैं जो बाकी जो जिन्होंने कुर्बानी दी की गई मैं कुछ ये अगला टॉपिक था आपके कोर्स में स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट फोटो कुछ गलत लग गई है नहीं, गांधी तो नहीं है गांधी बाद में आई जब फोटो, कुछ है। फोटो, है, फोटो, है, फोटो है। ये वाली को लग गई और फोटोग्राफी फोटोग्राफी ये बात की है किसी और है। ये ये कर्जन का टाइम है कर्जन एक बुक है दुर्गादास की From Karsan to Nehru, फ्रॉम करजन टू नेहरू करजन very good administrator. If we see from the point of view of ऑफ ब्रिटस बड़े कठिन दौर में कर्जन आता है हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है यूनिवर्सिटीज खुल चुके हैं लोग पढ़े लिखे हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई मेरे यूरोप में नेशनलिज्म आ चुका है यहां भी नेशनलिज्म की डिमांड है और यंग जनरेशन पूरी तैयार है इंडिया में जो कांग्रेस इस पर्पज के लिए मॉडरेट से बना था वो पूरा कंप्लीट हो गया है यंग जनरेशन आ गई है अब ये लोग और आगे की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में जो सेंटर बनती जा रही है जो विचार तो वहीं पहन रहे यूनिवर्सिटीज में डिस्कशन तो वहीं होंगे ना मीडिया से थोड़ी चलता है कंट्री मीडिया थोड़ी कंट्री चलाएगा कंट्री यूनिवर्सिटीज चलाती है यूनिवर्सिटीज फ्री को लेती उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज हैं लड़के हैं इंटेलेक्चुअल है मॉडर्न विचारधारा और ओवर द वर्ल्ड से कॉन्ट्रेक्ट कॉन्ट्रेक्ट है आप ये देख लीजिए जो जो पूरा टाइम है टाइम इसमें आइंस्टीन भी हैं इसमें प्लैंक भी हैं इसमें आइजनबर्ग भी हैं सब सब लोग हैं आइजनबर्ग तो थोड़ा बाद में आ रहे हैं थॉमसन साहब आ चुके हैं रदरफोर्ड हैं इस समय रदरफोर्ड के स्टूडेंट बोर हैं जेसी बोस हैं अरे आइंस्टीन है भाई आप ऐसे तो उसको तो क्या उससे बड़ा कौन तो पूरी दुनिया में रिवोल्यूशन चल रहा है मैक्सवेल आ चुके पूरी तो दुनिया में रेवोल्यूशन चल रहा है लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे लोग पढ़े लिख रहे हैं साइंस पढ़े हुए हैं इंडिया वगैरह में मैथ्स लोगों की अच्छी हमेशा से रही है आज भी ठीक है तो लोग पढ़ते है। तो हैं हैं नए विचार नई चीजों में कर्जन कर्जन आते कुछ काम करते हैं जिसमें से वो सीआईडी आई डी करते हैं इरिगेशन के लिए भी कुछ काम करते हैं नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कर्जन तमाम लॉ खुद लिखे हैं कर्जन दुर्गादास से वो पढ़ेगा उसमें तमाम रेफरेंसेस हैं दुर्गादास पत्रकार हैं और कर्जन को फॉलो कर रहे हैं उनके साथ पूरा एक्सपीरियंस दुर्गा फ्रॉम करजन टू नेहरू है बुक का नाम उसमें बारे में कर्जन और कर्जन ने हिंदुस्तान के हिसाब से बहुत गलत किया हम लोग के हिसाब से गलत किया उसने कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में रिफ्ट की शुरुआत यहीं से होती उसने कहा कि सबके पुलटको इंटरेस्ट अलग अलग है उन्होंने कहा पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा है ये बेसिकली हिंदू डोमिनेटेड इसमें सिर्फ हिंदुओं का है और उन्होंने मुस्लिम से कहा कि साहब आपके अगर आपको अपने इंटरेस्ट देखने हैं तो आपको एक अलग से एक काम करना पड़ेगा का और हम ये और जो असली जो सेंटर है ये जो कलकत्ता है बंगाल है कलकत्ता कैपिटल है बंगाल है वो बंगाल को वो दो हिस्सों में तोड़ देते पार्टी ऑफ बंगाल होता है वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड नवाब अब ढाका है वहां पर नवाब अब ढाका से बात करते हैं उनसे

और यंग जनरेशन पूरी तरीके से जो लोग उसमें पचास के सत्तर साल के हो गए ठीक है ना तो सत्तर अस्सी साल में काम करता है, जबकि कम थी थी। अब आज की है आज की डेट में लॉन्ग्युटी ज्यादा है आज की डेट में तो देखिए सभी लोग हम लोग यंग दिखाई पड़ते हैं <coughs> बहुत लंबी उम्र तक यहाँ पे लोग यंग रहते हैं पहले पैंतालीस पचास साल के पचास साल के आदमी पहले बुढ़े माने जाते थे आज के डेट में लोग काम कर रहे हैं ठीक से काम कर रहे हैं <coughs> तो वो तोड़ दिया जाता है बंगाल में और कर्जन की बात कर रहे हैं। इसी टाइम पे कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी होगी अनुशीलन समिति भी है अगर वो भारत में अरविंदो घोष है अरविंदो घोष तो, लोग तो, तो, तो. जान ही रहे हैं पाण्डिचेरी में ईश्वर एक नया धर्म नया धर्म का मतलब वही उस अपने ही अब अप खुद ही ईश्वर खुद ही उनके फॉलोअर्स पूरा पांडिचेरी में है जेल में से। फ्रांस में जन्म हुआ अरविंदो का में पढ़ाई होती है जेल होती है जेल में इनका केस सीआर दास ने लड़ा था वकील थे उसी अल्ताफ तो साहब अरविंदो बहुत एहसान मानते थे और अभी देखिए राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रही है वहां पे ये अरविंदो का एक जगह बुलाकर वो एक वहां पे लाइब्रेरी हुआ करती थी वो अरविंदो थी अरविंदो अरविंदो वो कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है क्योंकि देखो अरविंदो वॉज डीलिंग विद यूथ <coughs> और यहाँ पर हम लोग तो ये हुआ कि सब इसका स्वदेशी मूवमेंट जो है ये जो पार्टीशन बंगाल तो के बाद हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी पुराने ढंग से काम नहीं पड़ेगा कोई मूवमेंट अगर तो शुरू किया जाए तो पुर पुराने लोगों की बता दो बात दो थी नए लोग आ गए थे लाल बाल पाल आ गए थे लाला लाजपत राय थे तिलक थे उन्होंने कहा हम लोग मूवमेंट हम लोग करेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंटेंट हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे मार्च निकालेंगे अब ये लोग फॉरेन क्लोथ जलाएंगे हड़ताल करेंगे पुराने लोग एग्री नहीं कर रहे थे वो लोग कहते नहीं भाई ऐसे कैसे लेकिन नई जनरेशन नए यूथ वो तो जनरेशन गैप होते फाइव फाइनली इसी बात पर कि और कुछ कुछ लोग एग्री भी होते होता कैसा लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है तो इसका सारा मूवमेंट बंगाल में ही किया जाए लेकिन ये तिलक भी नहीं मानते हैं लाला लाजपत राय भी नहीं मानते हैं कि तिलक एरिया महाराष्ट्र है लाला लाजपत राय पंजाब से वो कहते हैं हम वहां भी मूवमेंट चलाएंगे हमारा तो पूरा बेस हमारा पूरी फॉलोइंग तो वहां वहां है भी मूवमेंट चलाएंगे तो इस पॉलिसी से अगेंस्ट तो मूवमेंट चला रहे हैं ना गवर्नमेंट के और स्वदेशी की बात हम लोग जब करेंगे तो हम लोग स्वदेशी में कहने कि जो इंडिया में जो सामान बनता है उसी को कंज्यूम करना फॉरेन फॉरेन क्लास चीजों को हमको बहिष्कार करना कोई भी चीज चाहे चीनी हो चाहे नमक हो चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो तो उसमें दो तीन फायदे होने थे कि उसमें लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज को भी बढ़ना था तो अगर लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ना है तो पैसे की कमी खत्म तो लोकल इंडस्ट्रीज जो, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, वो इनके सपोर्ट पे सब लोग आ सकते थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट था डिसीजन में गवर्नमेंट को पिटिशन दी गई पब्लिक मीटिंग्स में हिताबदी संजीवानी बंगाली ये सब अखबार के नाम है इनके थ्रू ये आइडिया सब स्प्रेड हो रही है तीन अखबार के नाम देख लीजिए बंगाली हिताबदी संजीवानी बंगाली 1905, इसी साल आइंस्टीन के तीनों पेपर भी आते हैं इंपॉर्टेंट पेपर कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है स्वदेशी तो मूवमेंट शुरू होता है लोग सड़कों पर आए मंदिर मात्रम नारे के साथ जलूस निकाले गए जिस दिन पार्टीशन होना तो उस दिन दोनों तरफ के लोगों ने आपस में दूसरे को राखी बांधी राखी त्यौहार है कि एक दूसरे के हम लोग साथ में रहेंगे जन्म जन्म का हम लोग का रिश्ता है रक्षाबंधन अच्छा आप लोग भी जानते हैं किस तरह तो का त्यौहार है एक दूसरे की रक्षा करेंगे एक दूसरे के साथ रहेंगे साथ निभाएंगे पाएंगे दिलों में दूरियां नहीं हम लोग आने जा रही किसी भी में गुरुदेव अमार सुनार बांग्ला लिखते हैं नेशनल एंथम बनता है एंथम तो ऑफ बांग्लादेश गुरुदेव एक आदमी दो कंट्री का नीचे और गुरुदेव थे भी वही वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते हैं पूरी दुनिया है क्या बीच में मैन मेड बाउंड थे कवि हैं है, फिलोसफर हैं वो तो इस बिना स्कूल गए वो शांति निकेतन खोलते थे शांति निकेतन जैसी यूनिवर्सिटी इसी टाइम पे है खोलते हैं ये दिल्ली में एक हम नाम हो गए तो ये सैयद हैदर साहब शुरू करते हैं और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ल ही लोग ये ये लो कहते हैं हम लोग मुझे शुरू करें लाइट नहीं चेंज लाल रीजन ये एक रीजन ये लगातार सवाल एक उठता रहता है फेल्यूर ऑफ मॉड्री और मेंस के लिए जब भी हम पढ़ाते था, तो हैं पहले लड़कों से कुछ जरूर लिखवाते हैं हाउ फॉर मॉडरेट सक्सेसफुल्पोर्टेंट सवाल आता है तो तो ये बहुत सवाल है नहीं बेटा फेल नहीं जैसे से वो लोग ने खोला था जो उनके एम थे उनके एम पूरे हो गए नई जनरेशन आ गई ना लाल बाल पाल आ गए ना यही तो एम था कि नेशनज की फीलिंग हो गई ना जहां पे पहले बहत्तर लोग इकट्ठा होते हैं अब हजारों लाखों लोग अब हैं उनकी एक बात है। पहले कुल बहत्तर लोग जमा होते हैं जमींदार हैं बड़े लोग हैं राजा हैं जजेस हैं बड़े वकील हैं बड़े बिजनेसमैन हैं अब की बार जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं या साधारण लोग हैं मॉडरेट मिडिल क्लास यूथ है ग्रेजुएट लोग हैं वकील हैं टीचर्स हैं साधारण लोग हैं ये सक्सेस है मॉडरेट फेस की। बाकी इन्होंने जिद करके इंडियन काउंसिली टू भी दिलवा देते हैं वेलबे कमीशन भी आता है ये सब तो अपनी जगह होता ही होता है और तो हम फेलियोर नहीं मानते हैं ये जो एक फेज से दूसरी फेज में जाना है तिलक है तिलक कहते हैं कहते हैं कि साहब हम लोग आज के जो एक्स्ट्रोस्ट हैं तिलक ग्रुप से हैं वो पुराने मॉडरेट हैं जो पुराने लोग हैं शुरू किया था गोपाल गोखले नारायण है अब दा ये लाल बाल पाल तो है ये लोग दूसरे साहब तो तिलक का के स्टेटमेंट के जो आज के एक्सट्रीमिस्ट है वो कल के मॉडरेट हो गए बेटा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है जब गांधी आते हैं तो गांधी इससे भी एक स्टेप और आगे की बात यहाँ पे तो लो, अभी तो ये लोग क्या करवा रहे हैं ये लोग स्कूल कॉलेज का करवा रहे हैं कोर्ट लेजिस्लेटिव लेजिसलेटिव्यूनिस्पैलिटी गवर्नमेंट टाइटल छोड़ो ये सब करें रहे वहां तो पूरा नॉन कॉपरेशन सिविल टैक्स ही नहीं देंगे तो तिलक अपनी बात को सच होते हुए देखते हैं अपने ही ऊपर तिलक विरोध करते हैं कि अरे इतनी बड़ा मूवमेंट आप क्यों करने जा रहे हैं कैसे चलेगा क्या होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है जब गवर्नमेंट नहीं तिलक नहीं अचरी Hmm? लेकिन गांधी नेशनल नेशन बाद में उनकी भी नेशनल नेशन के तो सुभाष चंद्र बोस आएंगे फिर मतलब जैसे जनरेशन बढ़ती है अब उसके बाद अब आप लोग की बात है अब तो आपकी जनरेशन का टाइम आ रहा है चीजों को अपने हाथ में लेने आप लोग ले ठीक तो ये तो तिलक फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट से आगे टेक्नोलॉजिकल क्या फर्क पड़ा ये हम इससे ये जो ग्रोथ और पेस्टिविज्म है ये ऑलरेडी वहां पे चल रही है ये, ये एक अलग सिस्टम लगाता ये लगातार बंदूकें उठ रही हैं, है हिस्ट्री या इविंदो घोष की हिस्ट्री है ये उधम सिंह की हिस्ट्री है या चाकेदर्स की हिस्ट्री होगी ये दूसरी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आम उठे और लगातार ये गदर मूवमेंट चलेगा उसी में भगत सिंह आए उसी में सुभाष चंद्र बस होंगे जहाँ पे बंदूकें उठे वो दूसरे यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट के साथ सिस्टम में रहते हुए पुलिस गए जो विद्रोह हो रहे हैं उसकी बात तो ये लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ रहते हुए सिस्टम में विद्रोह है जो तो पूरा अचीवमेंट है वो उस टाइम का है वो मॉडल में इंट्रोड्यूस हो गया गवर्नमेंट जो करती क्या है गवर्नमेंट कर्जा मूवमेंट को सप्रेस करते हैं तिलक को जेल भेज देते हैं मांडले जेल में एक सौ एक की सजा लगती है तिलक दो अखबार निकालते हैं मराठा और केसरी केसरी में एक आर्टिकल लिखते हैं तिलक ये केसरी मराठी में है और मराठा जो है वो इंग्लिश में है बेटा उस समय के लगभग हर लोगों ने अपने अपने अखबार निकालते थे अपनी बात कहने के लिए और मराठा इंग्लिश में अपने थॉट्स पहुंचाने के लिए अब तो उस समय जमाना दूसरा था ये मॉडमेटो रिफॉर्म आता है जो डिमांड है कि सब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कुछ कुछ तो रिप्रेजेंटेशन तो दे देती लेकिन एक बहुत गलत एलिमेंट जोड़ते हैं जो बाद में पाकिस्तान तक मामला पहुंच गया उसके बाद फिर वो प्यार मोहब्बत खत्म होने लगता है सेपरेट इलेक्ट्रोड दिमाग में भर रहे हैं हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है दिमाग में भरा सेपरेट अलेक्टिव मुस्लिम्स अलग वोट देंगे हिंदू अलग वोट देंगे मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और हिंदू अपने रिप्रेजेंटेटिवेंगे पहले ऐसी कही कोई बात नहीं पहले उठाकर देखते अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हो रही है अकबर की तरफ से मानसिंह है और महाराणा प्रताप की तरफ से हाथ क्लियर तो ऐसा कहीं पहले कहीं कुछ नहीं इधर मॉडल मिटर रिफॉर्म से चीजें शुरू हो रही है सेपरेट एलेक्ट्रोट हो रहा है ये उनका है वो उनका है और सीटें बढ़ा दी गई इलेक्शन शुरू हो गए हैं लेकिन इलेक्शन ऐसा नहीं सबको वोट का राइट नहीं मिला हुआ वो जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं या जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं या जिनके पास इतने से ज्यादा जमीन है उन्हीं लोगों तक राइट ही मिल बाद में जो सबको वाला राइट जो है ये तो फिर हिंदुस्तान के आजाद के आजादी के बाद ही सबको मिलेगा वो था कि सबके बस का नहीं है और ये इंस्टीट्यूशन बनते शांति निकेतन खोलते हैं नेशनल कॉलेज खोलता खोला जाता है और जो नेशनल कॉलेज जो वहाँ पे जो खो, जो खोला जा रहा है इसके प्रिंसिपल अरविंद घोष है एक तो स्वदेशी केमिकल स्टोर भी खुलता है जहां पे लोकल चीजें बनेंगे और स्वदेशी में फॉरेन क्रॉस का तो वो है और एक बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी खुलती है बात करने तो बात करना भूल के और सेटअप फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये आज भी हिंदुस्तान के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज्स में गिनती है आईटीयू के इर्दगिर्दी आईटी के आसपास इसका भी स्पेंडेड और कुछ और आ रही आ रही सब तो सब चीजें सब बदल चुकी है आईटी से नेटन हो गई ये स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स जो तो टेक्सटाइल मिल आ गई इंश्योरेंस कंपनी शॉप हिंदुस्तान शुरुआत इंडस्ट्री शुरू हो तो। गई इसी टाइम पे टाटा जी टाटा जी तो बड़े बिजनेसमैन ऐसे थोड़ी इतने का नाम हम लोग लेते हैं वो स्टील फैक्ट्री के उसमें प्लान करते हैं इंडिया में स्टील फैक्ट्री खोलेगी जो तो डिस्को में लगाए जमशेदपुर जमशेद की टाटा तो लोग हंसते थे लंदन में उनके ऊपर साहब इंडिया में आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं स्टील फैक्ट्री यहाँ तो लोग अभी माते सॉरी सब दुख 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 रहे हैं। टाटा की स्टील फैक्ट्री लगाई इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ी दोबारा बढ़ी अभी भी लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक पहुंचना चाहिए आज भी हम लोग खादी का सामान हम लोग प्राप्त उतरानी इस्तेमाल कर रहे हैं अब तो खैर ओपन वर्ड गया लेकिन उसके बाद भी ये खादी ही एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग हर जगह तक पहुंच सकते हैं दोबारा हम लोग लो 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 लेकर चले आएंगे समझ लीजिए कि हिंदुस्तान वापिस वर्ल्ड अब तो कटाई में करिए कम से कम हम लोग खुद तो करें ये एक फैशन सिंबल होना चाहिए सिल्क महंगा है ये थोड़ा सा है लेकिन घर में तो बनाया जा सकता है घर घर में गांव गांव में काम हो सकता है शहतूत के पेड़ पे हो जाते होते हैं जैसे फॉरन लग्जरी बाटे गए चीजें गए कल इतना ही नहीं था जो बायकॉट जो हुआ है वो सामान के बाइकॉट से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना सोशल बायकॉट सोशल बैकआउट किसका बायस का और सेलर्स दोनों का जो फॉलो करते हैं हम लोग अपने तो यूनिवर्सिटी डेज में हम लोग का सबसे बड़ी सजाई होती थी कि सोशल बैकआउट के उसके साथ कोई उठना बैठना ही नहीं चाहता ये सबसे बड़ी सजा होती है उसको पहले जात बाहर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था एक्स कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट खत्म होने लगा बहुत थोड़ा सा बचा था लीडर्स मूवमेंट तो दिन चलता नहीं है चलने के लिए वो एनर्जी वो बातें वो धीरे धीरे कम होने लगा पढ़ाई शुरू करते हैं बड़े जोश होते करते हैं धीरे धीरे कम होती।, होती है फिर कुछ जरूरत होती है फिर आगे बढ़ जाते हैं तो आप तो लोग का एग्जाम भी है तो थोड़ा सा बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश ज्यादा हो जाए ये पार्टीशन बंगाल जो अनल हो गया लॉर्ड हार्डिंग ने के टाइम पर जब किंग जॉर्ज को जब आना है तो पार्टीशन खत्म हो गया पार्टीशन कैंसिल कर दिया गया बिहार और उड़ीसा को बंगाल से निकाल दिया असम को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया इस पे कुछ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो वह अच्छा वैसा करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल का हम लोग करते हैं मुस्लिम से विरोध आ इसको हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं कहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम लोग इसको इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली और उन्नीस सौ ग्यारह में दिल्ली आ गई और उस समय जो दिल्ली बनी थी उस डरी राष्ट्रपति भवन बना था पार्लियामेंट हाउस बना था अब देखिए अब की बात तो नया पार्लियामेंट हाउस भी बन रहा है वो तो और ज्यादा मॉडर्न और उस समय का बना काम नहीं आ पा रहा था बहुत दिनों से डिमांड थी जमाना बदल चुका है नई टेक्नोलॉजी नई चीजें उन्नीस सौ का बना हुआ सौ साल सवा सौ साल तो मतलब वो संभव नहीं हो पा रहा था इतने ढेर सारी लैंग्वेज चीजों में तो बस नया बनाए थे लोग पीएम साहब ने बहुत बड़ा एक काम कर दिया एक नए एक युग की शुरुआत कुछ ऐसा है नहीं इसमें लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी रही जो सबसे बड़ी जो कमी आई जो तुमको भी महसूस मतलब इन जनरल तो सबको महसूस हो गई ये सब ये पीजेंट्री तक नहीं पहुंचा था सिर्फ अपर कास्ट सब अपर क्लास तक ही अपर मिडिल क्लास तक कंफाइन रहेगा तो बजाय से पढ़े लिखे लोग ही थे नीचे जमीन तक नहीं पहुंचा नीचे जमीन तक पहुंचाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा तो दस पंद्रह से साल और इंतजार यहां तो हम लोग दो मिनट में आ जाएंगे हम लोग के सामने कितना टाइम लगता है हम लोग तो शिफ्ट हो गई थी कैप्टन इस लोग बात कर ही चुके हैं ये बीच में आगे बढ़ने के पहले इंडिगो रिवोल्ट इंडिगो नील नील दर्पण एक बुक भी है जो नील दर्पण ये जो बुक है वो दीन बंधु मित्रा की लिखी हुई तुमको नील की कितनी क्या इंपॉर्टेंस है कैसे है बाद में समझ में आया वो जो बड़े बड़े वो जो टेंट वाले कपड़े भी बनते थे जो जो कपड़ा जो तो इंग्लैंड में बन रहा है ये कपड़ा आप देखिए आप बात समझिएगा सिर्फ इंडिया ही नहीं उनके पास पचास कंट्रीज की पे पचास कंट्रीज है कॉमनवेल्थ फिफ्टी वन कंट्रीज से कॉमनवेल्थ थी इन इक्यावन कंट्री ऑफ इंग्लैंड का कब्जा उसमें से तमाम कंट्रिया अफ्रीका में है जहां पे और भी ज्यादा खराब सिचुएशन तो वहां पे टेंट बनाए जा रहे हैं रहने के लिए तो जो बड़े बड़े कपड़ों के जो टेंट बन रहे हैं उन टेंट को रखने के लिए भी नील की जरूरत ठीक बहुत बड़ा काम था कॉटन का तो उस नील को लेकर के पूरा बवाल है उनको नील चाहिए उनका शासन हो कह रहे हैं कि नील लगाओ नील लगाओ लगा। हमको पैसे मिलेंगे तब किसान को फायदा ही नहीं होगा किसान सब भड़क जाता किसान भड़क जाते तो उसे विद्रोह पे आ गए विद्रोह पे आ गए तो फार्मर्स ऑफ बेंगाल तो 1859 फिफ्टी नाइन अच्छा ठीक है उन्हें कोई हम 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 नहीं लगाने गए इंडिगो रिवोल्ट बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीजे मूवमेंट दैट शॉक द कॉलोनियल कॉन्वेंट नील विद्रोह भी बोलते हैं इसको लोग जो है अंदर ही अंदर लोग परेशान हैं गवर्नमेंट से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर अब लीडरशिप नहीं है वही बाद में ये नेक्स्ट टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगला प्रश्न प्लान था कि पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो उसके बाद सिविल डिसोबिडेंस हुआ गांधी आ चुके हैं गांधी ने अफ्रीका में ढेर सारा काम किया हुआ है गांधी को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर का टाइम है चौदह से अठारह तक वर्ल्ड वॉर चल रही इसी टाइम पे गांधी आते हैं 15 में साबरमती आश्रम खुल रहा है पूरा भारत पहले घूमते हैं चंपारण जाते हैं कुछ यहाँ पे गुजरात में भी जो कॉटन मिल्स है वहाँ भी वर्कर्स की स्ट्राइक चलती है तो मिल मालिक और वर्कर्स के बीच में समझौता करवाते हैं बोनस को बोनस को लेकर के था मालिक लोग ट्वेंटी फाइव परसेंट दे रहे थे जो वर्कर्स थे वो फिफ्टी परसेंट बोनस मांग रहे थे गांधी ने समझौता करवाए थे थर्टी थे गांधी के बेटा उनकी पर्सनलिटी होती थी, थी वो लोग उनसे जोड़ते जा रहे जादू था जादू मासस के, बात ले रहे हैं के लिए। अच्छा है, है ये बात मूवी देखिएगा लोग बकरी की टांग टूट गई है वो कहते हैं हाँ, सिविल विडियस विडियस होता है। तो वो कहते हैं उठ के चलने लगते तो अरे आप इतना बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में होगा उसके चलिए कुछ प्लान बनाते हैं लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू है पटेल तो लो बैठे हुए हैं याद आस वो कहते आपने सुना नहीं हमारे पास जरूरी काम है उनको बकरी की टांग में लेप लगाना उठ के चले जाते हैं अगले दिन ये खबर अखबार में छपती है कि गांधी मीटिंग छोड़ के उठ गए सिविल के और गांधी उठ गए तो ये खबर आती है और खबर से जो बकरी की टांग में लेप लगाने वाला आदमी वो उनसे जुड़ जाता उसको लगता है तो गांधी तो अपने जैसे तो गांधी मार्सस के बीच के वो बड़े वाले नहीं है वो ऊपर से आ गए हैं और एकदम मजदूर चीजों में अच्छा और इंग्लैंड के पढ़े में तो अब संभाल भी नहीं सकते ऐसा तो है लेकिन उनको नॉलेज नहीं गांधी के बारे में थोड़ी बहुत बात सुनने यहां पे जब गांधी आते हैं तो वर्ल्ड वॉर का खत्म है और जो वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ है वो इसलिए हुआ है बेसिकली बेसिकलीज के लिए हुआ कि ये हुआमन एम्पायल खत्म हो रहा था

कुछ कंसेशन और डोमिनियन स्टेटस जैसी कोई डिमांड उठने लगी थी स्वराज इज माई जन्म अधिकार ऐसा कुछ कुछ ये तिलक और बात उठा चुके थे और इस पीरियड में होम रूल रूलिंग मूवमेंट भी पूरा हुआ हर जगह इसका गवर्नमेंट को, को बहुत और पोजिशन नहीं हुई लेकिन वो जो पूरा हो रहा था जो ओटम्बन अम्पायर खत्म हो रहा था तो ओटम्बन अम्पायर में जो वहां के जो थे उनको लोग कैलिफ बोलते थे खलीफा और हिंदुस्तान के जो लोग थे वो हेड उसी को मानते हैं तो यहां का जो मुस्लिम है वो भी अब अगेंस्ट हो गए थे जो मुस्लिम अगेंस्ट हो गए थे पहली बार मुस्लिम इस रूप में पार्टिसिपेशन आया लेकिन वो दूसरे ढंग से आया वो कैलिफ को सपोर्ट करने के लिए आता है वो खिलाफत मूवमेंट शुरू करते तो जो खिलाफत मूवमेंट जो शुरू होता है वो टर्की के बादशाह को सपोर्ट करने के लिए और बाद में जब खत्म होगा तो भी इसीलिए खत्म होगा गया उसका मतलब खत्म हो गया क्योंकि वहां पे अल तुर्क आ गया कमाल पाशा तो कमाल पाशा खुद ही बादशाह के अगेंस्ट हो गया खलीफा के अगेंस्ट हो गया और और खलीफा को फिर इन्हीं लोगों ने हटा दिया बाद बाद में ब्रिटिश कैलिफ को यहां बैठाते हैं सब लेने के भी। लेकिन फिर लेकिन तैयार नहीं नया नहीं। नहीं। नहीं एक और एक मॉडर्न स्टेट बनाया था कमाल पाशा ने फिर कभी कमाल पाशा अलतुब के बारे में बात करेंगे अब, तो अब, तो अब तो इर्द अब तो इर्द साहब आए हैं नए ये राइट विंग वाले हैं और ये लोग ने दूसरे ढंग से कंट्री को लेकर आगे बढ़ रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप पूरी और एक और घटना घटी ख़ड़ थी जलियावाला बाग ये यहवाला बाग में क्या हुआ था रॉलेट एक्ट आया था तो रॉलेट एक्ट में दो चीजें खत्म कर दी गई थी ट्रायल बाय जूरी और कॉर्पस तो किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था इसके चलते ही दो लोग सैफुद्दीन की छिड़ी और सतपाल मलिक इन लोग को कैद कर लिया गया था तेरह अप्रैल को बैसाखी का फेस्टिवल गांव तो इन लोग को अरेस्ट कर लिया गया था कुछ कुछ विद्रोह हो रहे थे पोलिटिकल विद्रोह हो रहे थे तो उसको बंद कर दिया गया था वह, वहां पर मार्शल रूल लगा दिया गया कोई भी बाहर नहीं निकले बैसाखी का फेस्टिवल था गाँव में लोगों को मालूम नहीं था सब लोग इकट्ठा हो गए अमृतसर से बगल में मेला है भीड़ देखी लोग देखी, सतपाल मलिक और सफीदुन की वहां पे अब लोग आ गए मेला चल रहा है मार्शल लॉ लगा हुआ है और वहां पे कुछ लोगों ने वहां पे स्पीच देना भी शुरू कर दिया स्पीच देना शुरू कर दिया कुछ लोग सुनने भी ले पोलिटिकल हो गया अजीब सी घटना सैंडस पहुंचते हैं और गोली चलवा देते हैं और लोग मर जाते जनरल डायर जनरल डायर वहाँ पे गोली चलवाते हैं लोग मर जाते हैं नहीं हत्या बच्चों पे गोलियों पे बाद उसके लिए हंटर कमीशन में बैठा चीजें होगा कि साहब कहाँ है अगली बार अगली बार तूने कर लॉ तो इतना ह्यूमन लॉ नहीं होना है आप निहत्ते लोगों पर गोली चलवा दीजिए बिना किसी गलती के बिना किसी कसूर के अरे ही तो हुए हैं वो लोग चले उसका बाद में बदलाव वगैरह सब लिया गया तो फिर इससे लोग हो अंदराज ये तो ब्रिक्सर केत्याचार है जो चाहते हैं वो करते हैं अब ये तो अब कुछ और बात कर रहे थे अब आप ये लेके चले जाए हम तो सोच रहे थे कि हमको डोमिनियन हमको आजादी मिलेगी स्वराज आएगा जाएगा आप रॉल अटैक लेके चले आ रहे हैं और उसके बाद उसमें लोगों पर गोली भी चलवा रहे हैं ये टाइम आ चुका है यहीं पर किया जाए और गांधी आया और गांधी ने उसको एक मास मूवमेंट लेकर के आगे बढ़ते हैं और पूरा ये नागपुर सेशन में ये कांग्रेस की मेंबरशिप जो है सबके लिए खोल देते हैं चार आना कि चार आने फीस देके कांग्रेस की मेंबरशिप में आ जाइए और एक करोड़ लोग को तो टारगेट होता है कि एक करोड़ लोगों को हम लोग कांग्रेस में ज्वाइन कराएंगे कांग्रेस में एक करोड़ लोगों को ज्वाइन कराएंगे नागपुर सेशन में और जो साल भर में एक बार मिलती है अभी एक ऑल वर्किंग कमेटी बनेगी जो कि साल भर काम करेगी और उसी के चलते हुए इसी में सीआर दास साहब जो है वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल भी लेकर के आगे आते हैं नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट चलाया जाए गांधी का प्लान था और तिलक की डेथ हो जाती है वही तिलक ही अपोज कर रहे थे तिलक की ही हो जाती है गांधी तिलक स्वराज फंड बनाते हैं तो बेपिंदा लिखते हैं अपनी में कि जो फसल तिलक और बेसेंट ने लगाई थी, फायदा गांधी को, को मिलता है अपने पूर्वजों का फायदा एक को मिलता है अपने है, मिलता है। अपने, अग, अपने सक, अग, जो भी उसके पहले काम कर जैसे गलीलो का फायदा न्यूटन को मिला हा? वो तो मिलता ही है। हर एक को मिलता है टाइम ई इतना बड़े-बड़े टॉपिक कितने कम में खत्म करना हमारे लिए भी थोड़ा सा लग रहा है कहां से कितना आप लोगों को करवा दें गांधी का प्राज्ञेशिया दास साहब जो है तो आपको बताया था ये की डिड्युलेशन इन्होंने ही पास करवाया था इनके तीन फॉलोवर्स थे विदनाथ सैमसल है मिदनापुर में गुप्ता में और बोस है कलकत्ता इनका पोलिटिकल गुरु है सुभाष चंद्र जवाहरलाल नेहरू किसान सभा को मोटिवेट कर रहे हैं गांधी का डिसीजन टू गांधी डिसीजन टू विद्रॉ फ्रॉम द मूवमेंट वॉज नॉट सपोर्टेड बाई किसान सभा ये यूपी में इलाहाबाद फुलपुर प्रतापगढ़ ये अली ब्रदर्स है शौकत अली और मोहम्मद अली साहब और ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस आपको बताया तभी हमने उन्हें कहा तो ये इलीगल है मुस्लिम के लिए ब्रिटिश आदमी में काम करें लाला लाजपत राय भी पहले सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन जब बाद में जब चल जाता है जब होता है कि इसको और आगे बढ़ाया जब जब चौरी चौरा कांड हो जाता है तो लोग कहते हैं किस समय वापस ना लिया लेकिन सब लोग तैयार थे उस समय सिविल मूवमेंट के प्लान ही था कि सिविल मूवमेंट शुरू होगा और एक एन वक्त पे गांधी वापस लेते चौरी चौरा हो गया एंड नॉट नॉट रेडी फॉर द नॉन वायलेंस वो कहते थे कि नॉन वायलेंस जो है वो वीक लोगों का हथियार नहीं है स्ट्रॉन्ग लोगों का वो कहते थे गांधी का ही नारा है डू और डाइ करो या मरो वो कहते थे अगर कायरता की वजह से नॉन वायलेंस हो तो वो नॉन वायलेंट मत बनो कायरता और हिंसा में एक को चुनना हो तो फिर तो हिंसा ही चुनो नॉन वायलेंट तो उनका हथियार है जो स्ट्रॉन्ग है जो गांधी की फिलोसफी है नॉन वायलेंट गांधी तो लेकिन यहाँ पे उनका बहुत ज्यादा लोग वो करते हैं विरोध है गांधी को लेकर जो जो कॉन्ट्रोवर्शियल जो, जो उसमें यह भी है कि गांधी ने ने जो चौरी चौरा के बाद जो वापस ले लिया एक एक घटना की वजह से जो कि पूरा हिंदुस्तान तैयार है सिविल डिसोबिटेंस मूवमेंट का लोग कहते हैं कि दोबारा ही मूवमेंट कब बनेगा और लग गए दस लग गए उसके बाद फिर डांडी वास्ता आपको उन्नीस सौ तीस में होगा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे वो ये लगातार डांडी बाद दस साल बाद आप लोग एग्जाम जल्दी से खत्म करना चाह रहे हैं कंपेयर किया जाता है मार्च टू पेरिस में नेपोलियन से इतनी जल्दी भी नहीं करेगा कुछ ना कुछ का अभी थोड़ा सा और बारह मार्च उन्नीस सौ तीस सिक्स अप्रैल दो सौ चालीस मील और तीन सौ पचहत्तर किलोमीटर दो सौ चालीस मील या तीन सौ पचहत्तर किलोमीटर तो एक मील में कितने किलोमीटर निकालना कभी मैथ जिस दिन बात करेंगे उस दिन ये इशू जरूर उठाएंगे यूनिट कैसे बदलनी होगी ये कहानी शुरू होती है सामन कमीशन से सामन कमीशन आता है सैमन कमीशन इसलिए भेजा जाता है कि साहब नई गवर्नमेंट आने जा रही है टोरी गवर्नमेंट थी उसके हारने की उम्मीद थी युवा के कहेंगे लेबर गवर्नमेंट आ गई तो हो कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी सकता है तो डेथ भी, भी हुई जिसका बदला बाद में भगत सिंह ने लाहौर में गोली मार जहां जहां भी साइमन कमीशन गया था वहां वहां पर बहिष्कार हुआ था लखनऊ में तो पतंगों से लिख दिया था साइमन को पूना से लोनावाला के बीच में लोग ट्रेन के साथ साथ सब वो सब झंडा लेकर के चले काले झंडे जहां हमको मिलकर कॉमन डिमांड दीजिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई गई मोतीलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बने साल बहुत रिपोर्ट आई जब साल बहुत रिपोर्ट आई तो उसमें कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया मोहम्मद जिन्ना का नाम अब लगातार है जन्ना लगाता हैं। पहले कांग्रेस में थे बाद में कांग्रेस में उनको वो तब्जो नहीं मिली उनके वो कहा करते हमारी, हमारी बात सुनता नहीं। और जिन्ना बड़े वकील हैं जिन्ना को मजिस्ट्रेट बनाया गया था बॉम्बे में छोड़ दिया था कि नहीं इससे ज्यादा तो हम डेली हम कमा हम लोगों से मिलना जुलना तो हम चाहेंगे जिन्ना अंग्रेज आदमी इंग्लैंड के पढ़े हुए बड़े मोहम्मद जिन्ना वो जिन्ना अपना अपना एक अलग को लेके आते पॉइंट के के प्रोटेक्शन लिए बीज, बीज अब 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 पेड़ बड़ा होता जा रहा है तो बीज बोए गए थे स्टार्टिंग में और जो कर्जन भुगे गए पेड़ बड़ा हो रहा है अब तमाम लोगों को अलग देश चाहिए अभी अभी अलग देश अभी डिमांड नहीं आई है लेकिन मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लोग कह रहे कि कुछ कुछ गारंटी अलग से चाहिए ऐसे थोड़ी होता डोमिन उसको लिए भी कुछ मतलब एक इसी में किया जो भी था मतलब ये फाइनली फेल हो गया फेल हो गया तो उसके बाद और पार्टी जो फेल हो जाती है तो जवाहरलाल नेहरू एक अगले प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के दिसंबर में कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे इकतीस दिसंबर को बनते हैं दी के किनारे और वहां पे वो 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं जिसकी याद में उसी दिन के लिए रिपब्लिक डे मनाते हैं और कांग्रेस का एम बदल देते हैं कि अब ये मोतीलाल नेहरू की जनरेशन खत्म हो रही है नई जनरेशन खत्म हो रही यंग जनरेशन ले रही है जवाहरला नेहरू उस पूरी यंग जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो पुरानी जनरेशन खत्म नई जनरेशन आज सुभाष चंद्र बोस हो रहे हैं बहुत तो अच्छे दोस्तों में से हैं इनके सभी लोग एक रशिया से इन्फ्लुएंस उसी तरह की बातें वो वो जमाना ही दूसरा है तमाम कई बहुत सारी कंट्रीज में तो कॉलोनी है ना तो सभी कॉलोनियों में रिवोर्ड कहीं कहीं है सब हो रहा है कहा लगभग हर जगह कुछ ना कुछ, कुछ सुन गुन्द सब शुरू हो गई है चीग वह से लेकर सब लोग हैं उसी टाइम पर है और वो कहते हैं कांग्रेस के स्वराज ना होगा पूर्ण स्वराज होगा

मोदी जी आए उसने उनका अपनी पर्सनालिटी से उन्होंने कुछ चीजों का ऐड किया लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है कि ना हम अमेरिका की तरफ है ना रशिया की तरफ हम हम सबके साथ नहीं लड़ाई झगड़े से दूर इसके हम किसी के साथ लॉबिंग नहीं करेंगे हमको हाँ जो हम हर इश्यू पे हम अलग से बात करें ये पूर्ण स्वराज अभी अभी इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग बात करें तब तो हम लोग आएंगे वहां पे तो ये पूर्ण स्वराज गोल कर दिया था कि पूर्ण स्वराज गोल है कांग्रेस कौंग, का तो पूर्ण पूर्ण सुराज हो गया बाकी साबरमती आश्रम से अठहत्तर फॉलोवर्स को लेकर ये गांधी जी निकलते हैं तो पहली बात करते हैं दो सौ चालीस मील है एक सौ पचहत्तर किलोमीटर से भी आगे बढ़ते हैं और मेन खास पॉइंट से शराब फॉरेन लेकर की शराब फॉरन लेकर जो शराब की दुकानें हैं इसकी पिकटिंग कपड़े फॉरन क्लोथ लॉयर्स से कहा गया कि आप लोग अपनी टैक्सी छोड़िए कोर्ट का भी का भी बहिष्कार हो रहा है क्या हो रहा है द बैकॉट को पब्लिक सर्वेंट्स नौकरी छोड़ रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस का बैकऑट और नॉन वायलेंट सबको रहना ही रहना है लोकल लीडर्स भी आए ये भी हुआ कि साहब जहां जहां पे, अब हर जगह तो नमक नहीं बनाया जा सकते तो जहां जहां पे नमक नहीं बनाए देते सिविल डिसोविडियस का मतलब है हम नियम तोड़ेंगे तो जो भी अनजस्ट लॉ है जैसे इस साइड में हम लोग ने अनजस्ट लॉ हम लोग चौकीदारी टैक्स था हम चौकीदारी टैक्स हम तो नहीं देंगे क्लियर तो जो अनजस्ट लॉ है उसको हम लोग तोड़ेंगे हर जगह बैकवर्ड करेंगे चीजें करेंगे गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन कॉपरेशन नहीं नॉन कॉपरेशन हम उसके विरोध में जा रहे हैं इरविन है इस समय तो कहते हैं चुटकी बंद बन नमक बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग मूवी देखेगा सर रेट एंड गांधी पूरी दुनिया भर देख रही है कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और इसी टाइम पर एक दूसरा एक घटना घट रही है कि बीच में ये पंचशील एग्रीमेंट आ गया है ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद का है अशोक का नाम है जो किसमें ये इंडिया और चाइना के बीच में होता है ये बट आपका सिलेबस ऐसे ही था हमारी कोई मतलब इसी जो जो सिलेबस उस थे उसी हिसाब से पॉइंट उठाते चले गए थे बीच उन्होंने इसको दे दिया था जो एस वाला सिलेबस था लोगों ये पांच पॉइंट है तारीख भी नोट कर लीजिए उन्नीस सौ चौवन अप्रैल म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिया चाइना के बीच में हो रहा है तिब्बत को लेकर के हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे ये अशोक का सिद्धांत था पंचशील नए नए सपने नई नई चीजों को लेकर के बढ़ा गया था भाई अब वो इसी का धोखा दिया था उस टाइम पे उन्होंने फिर चाइना के उन्नीस सौ पंचशील अग्रीमेंट हम पंचशील अग्रीमेंट कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं आप वहाँ पर अटैक कर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सब्जेक्ट म्यूचुअल नॉन एग्रेशन एक दूसरे पे नहीं हम लोग इंडिया कहते बीच में हम लोग दूसरे दूसरे पे नहीं करेंगे नॉन के मामले में बोलेंगे नहीं आपको जैसे करना अपने सिस्टम में करिए हमको आपके हाथ से करने दीजिए अपना खुद करिए इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट दोनों मिलजुल के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे पीसफुल को शांति से खुश खुश रहेंगे ये एम थे हमारे इसके लिए एग्रीमेंट हुआ यही पंचशील एग्रीमेंट है ये के सिद्धांत हम लोग अभी हम लोग आइए हम लोग दोबारा हम लोग बीच में ये टॉपिक लोग आ गया था तो इसको लोग माच लो। लो की बात कर रहे थे डांडी मार्च के बीच में ही जब यहाँ डांडी मार्च चल रहा है तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में शुरू हो गई इंग्लैंड में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट गई हुई है उसको डिस्कस करने के लिए है और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो चौदह पॉइंट रखे हुए हैं उन्होंने इरविन को दे दिए हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने जो दिया हुआ है इरविन को दे देन वाइस रॉय ऑफ इंडिया मोहम्मद अली जिन्ना ने जो दे दिया है इंडिया के और जेम्स मैकडोन वॉयस राय है, है। तो 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 मैकडोन है ये प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड के और असाम कमिश्नर रिपोर्ट है बात होने जा रही है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1919 जो आया था जो प्रमिसेस थे उसका अब रिव्यू करने का टाइम आ गया 10 साल का तो उनमें क्या-क्या अचीवमेंट हुए इंडिया ने उसमें क्या-क्या ये 1919 -19 में जो एक्ट आया था ये उसके बाद नॉर्कोपिशन बट इसमें नॉर्कोपिशन के पहले एक्ट आया था इसमें ये कुछ स्टेट लेवल पे पावर और ट्रांसफर जैसी कुछ चीजें थोड़ी सी पावर जो थी वो इंडियन को दी गई थी जिसमें वेल और और रिजर्व पावर, पावर जो थी वो गवर्नमेंट के पास रही जो जो पावर थी जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन था जेल था इरीगेशन था फाइनेंस था ये सब उनके पास रहा और कुछ पावर्स दी गई थी लेकिन जो पावर दी गई थी उसमें आइडियल रूप में मिनिस्टर्स बाहर आए बसों में चले हैं कम तनख्वाही ली है छोटे छोटे घरों में रहे हैं और एकदम आइडियल हुआ के साथ हम लोग जो भारत बनेगा हम मिनिस्टर्स में ऐसे रहा करेंगे साधारण लोगों के तरीके से आज से है हम हैं जैसे हम सबके बीच में रहेंगे ये सपने के जो उस टाइम के लोगों ने दिखाए करके दिखाए दिखाए सपने दिखाए ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये, ये यहां पे डांडी मार चल रहा इंडिया में और इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इंडिया बावन इक्यावन बावन देश है इक्यावन देश है कॉमनवेल्थ में बट इंडिया इज ज्वेल इन सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया उसमें से इंडिया के ऊपर बातचीत होती जा रही किंग ने बारह नवंबर को हुआ ये उन्ने से उन्ने से और कितने रिफॉर्म चीजें यहां पे किया जब लोगों की डिमांड में बोल रही है रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स एट लंदन प्राइम मिनिस्टर खुद इंग्लैंड के उसको चेयर कर रहे हैं टाइम्स मैकडोना कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं पार्टिसिपेट करें फिफ्टी एट पोलिटिकल लीडर्स हैं फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से सोलह डेलीग्रेट्स हैं ये स्टेट्स के? राजा लोग हैं सोलह लोग ब्रिटिश पोलिटिकल पार्टीज से हैं इंडिया तो जाते जा तो हिं, हिंदूज भी हैं जस्टिस पार्टी है सिख है लिबरल अभी आप लोग दिखाते हैं अगली स्लाइड में हम कि कैसे तो कौन लोग हैं ये नाम सही तो लोग हैं ये देखिए प्रिंसली स्टेट इसलिए सब महाराजा अलवर के हैं बड़ौदा के हैं भोपाल के नवाब हैं बीकानेर है धौलपुर है जम्मू है जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा नवाबगढ़ पटियाला पटियाला के जो है जो जो, जो राजा थे ये चांसलर ऑफ द चैंबर ऑफ प्रिंसेस रहे हैं और ये लगातार यही लोग रहे बाद में अमरिंदर सिंह हिंदुस्तान के आज़ादी के समय में अमरिंदर सिंह रहते हैं <coughs> राजाओं के नाम है ढेर सारे हैं कुछ पांच सौ पचास प्रिंसली स्टेट हैं एक बुक का नाम ले रहे हैं इसके लिए हमने ये बनाई थी ये बुक सिर्फ इस बुक के बारे में बात करने के लिए आजादी बेटा इनका भी अपना है एक अलग रोल और एक अलग कहानी जो जनरली है फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम एट मिड नाइट ये कभी मौका मिले तो पढ़िएगा तो हिंदी वर्जन भी आता है फ्रीडम एट मिड नाइट फ्रीडम एट मिडनाइट, नाइट ये लैरी कॉलिस्ट लिखी हुई बुक्स में से है फ्रीडम एट मिडनाइट जरूर पढ़िए इसमें राजाओं की कहानियां हैं कि कैसे राजाओं को क्या रोल हम्म दो रोड था एक नाम बोल रहे हैं तो एक तो एक तो लेरी कॉलेज थे भी अभी एक मिनट नाम याद तो तो ये इन, उनके लिखे हुए ओ जेरूसलम भी है इस पेरियस बर्निंग भी है तो फाइव पास ट्वेल्व भी है कई किताबें उन्होंने इन लोगों ने लिखी थी दो दो ऑथर्स हैं ये एक फ्रांस के हैं और एक यहाँ के हैं अभी आप देख लीजिएगा ये ये राजाओं का क्या रोल रहा और और राजाओं की जिंदगी कैसे बीत रही है आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा फर्क होने जा रहा है और राजाओं पे होने जा रहा है हुँ? उनका कैसे भविष्य निर्धारण वो कैसे एडजस्ट होंगे इसको ये भी एक साथ साथ चर्चा चल रही है क्योंकि तो जो ब्रिटिश से तो राजा ही मिल रहे हैं ना ज्यादातर यहाँ तो जमीन पे तो ये चल रहा है तो ये लोग वहां पे देखे फिर ये लोग पहुंच गए थे सब लोग ये जम्मू कश्मीर से कर्नल हक्सा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैदराबाद से अकबर हैदरी गए हुए हैं महाराजा रीवा है चीफ साहब ऑफ संगली है मुस्लिम लीग से आगा खां कर्ड है ये लीडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया डेलीगेशन से है मौलाना मोहम्मद अली जौहर है मोहम्मद साफी है कायद आजम जफर मोहम्मद खान दोमली ये तो मतलब ये हिंदू महासभा से देखिए अमर जैक कर हैं दीवान बहादुर राजा ला और राजा नरेंद्र नाथ और मुझे दीवान बहादुर यहां से गए हैं लोग और तो सिख से तो सबके तो नाम उज्जवल सिंह है पार्टी देख लेते सिख के पास ही वुमेन है दो बेगम जहानारा शहनवाज और राधा राधाबाई सुब्राइ दे बेगम जहनारा शहनवाज और राधा भाई सुब्राइ और लिबरल से बसु साहब सप्रू चिंतामणि श्रीनिवास शास्त्री स्टीवन ये, लि, ये लिबरल पार्टी से है एंग्लो इंडियन में एक नाम हिन्नरी इन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नरेंद्र लौ, नाथ मित्रा अयर और रामचंद्र कोई आपको नाम याद करने को निकल ये दो नाम देख लीजिएगा नारा शहनबाज और आरा सुब्राम और जो समझ में आपको आए थोड़ा बहुत देख सकते ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर और जो कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट कर लिखते हैं कि बिना रामलीला हो रही है और उसमें राम नहीं इंडिया के बारे में बात हो रही है कि क्या याद है वो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है और उसमें बिना राम के रामायण हो रही है बिना कांग्रेस के हो रही है बिना राम के रामायण हो रही है तो वहां से पैक्ट आता है कि किसी भी हालत में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करेंगे तो वे पैक आता है तो, गांधी पैक। ये एक पैक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कांग्रेस गांधी इर्विन के पैक्ट में बराबर बराबर लोगों में बातचीत होती है तो इरविंद वॉयसॉय है गांधी एक कांग्रेस पोलिटिकल लीडर है कांग्रेस को तो उठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बराबर रखते जो तो सबसे बड़ा इसका कुछ भी हुआ कि किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करो तो जो कांग्रेस की डिमांड है वो सारी डिमांड जिसमें साहब जो नॉन वायलेंट रहे हैं, उन लोगों को फ्री किया जाए और नमक से टैक्स हटा दिया जाए हंजस कुछ कुछ टैक्स हटा दिया जाएगी बहुत ढेर सारी चीजें उन्नीस सौ इक्कीस का है टाइम बहुत कम हम लोग के पास हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और गांधी उसके बाद वहां पे जाते हैं लंदन जाते हैं दोबारा जाते हैं चर्चिल कहते हैं चलो वो भूखा नंगा फकीर आया है बिट्स राजा से बात करने बिट्स ये हिंदुस्तान को तो आजाद कराएगा आइंस्टीन हैं, ये चार्ली चप्पे से मिलते हैं चार्ली चप्पे साहब ये लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम लोगों के उन्होंने लो खसाने की खूब बता दी थी पूरी एकदम त्राही त्राही मची हुई है तब ये लोग ना उस समय एक हल्की सी कंट्रोवर्सी हल्की सी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी उसी कंट्रवेंसी पर हम लोग आ रहे हैं गर्बिटेशन तो और भारत से ये ये, ये।, ये इनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस से में बदल दीजिए वैसे कर सकते थे छोड़ने के बाद थोड़ी हो रही थी यहाँ पे और उनको और गांधी को पार्टिसिपेट करवा नहीं करवाना था तो गांधी अपना वो नॉन वायलेंट का वो उन्होंने कहा कि इस पर वो, वो कहते हैं जितने लोग नॉन वायलेंट रहे हैं उन लोग को छोड़ा जाए वहां पे तो बेट से जाते हैं जो लेकिन जो वायलेंट लोग को छोड़ने की बात आ रही है वहां पे भगत सिंह का केस फंस है क्योंकि उन्होंने एसपी को मारा हुआ कल एसपी को नहीं मारे है, तो ये यूथ के आइकॉन है बड़े लीडर है बहुत बड़े लीडर भगत सिंह तो यहां पे गांधी ठीक से पर नहीं करते हैं ऐसा गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा सेक्शन इल्जाम सक्षम उतना ही बड़ा सेक्शन गांधी को सपोर्ट करने वाला हम लोग को एग्जाम में अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उस डिस्कशन में हम लोग को नहीं जान कि फिर किसी दिन कभी हम लोग मेंस वगैरह की बात कर रहे होंगे इस को जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों तरफ के आर्गुमेंट तो मालूम होने चाहिए दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जैसे है डोमिन स्टेटस चाहिए वो के वो दिया नहीं गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई लौट के आते हैं लौट के आते हैं यहाँ पे फिर से कोशिश करते हैं अब की बार गवर्नमेंट एकदम सप्रेस करने के मूड में ठीक से सप्रेस करती है ठीक से गवर्नमेंट सप्रेस करती है मैकडोनाल्ड अवार्ड आती है पुणे और मैकडोनाल्ड अवार्ड आती है तो जो काम एक बार हिंदू मुस्लिम के बीच में किया था फिर वो अब हिंदू के अंदर वो लोग अब कास्ट के बेसिस पे करना चाह रहे हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड बाबा साहब सपोर्ट करते हैं बाबा साहब भी गए हैं बाबा साहब भी गए थे, थे वहां पे बाबा साहब कहते हैं कि और तो बाबा साहब की अपनी सारी स्टोरी कहते हैं सर ये तो, तो बराबरी में तो हो बराबरी में होंगे इनका भी अपना बाबा साहब पूना वो दबा दिए जाएंगे और न, कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ सब लोग पूरा हिंदुस्तान और आते जा रहे हैं धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही है अब तो पूना पैक्ट होता है बाबा साहब और गांधी के बीच में गांधी आ जाते नहीं ये जो शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये ये एक अलग ग्रुप नहीं बनेगा पैट के पहले यहाँ पे है और तो पैट क्या होते हैं ये है। लगभग सब बातें हम लोग की हो ही गई हैं उन्नीस उन्नीस में तेरह साल बाद बातचीत होती है ऐसा कुछ खास सब है नहीं इसमें इंडियन नेशनल आर्मी फलास्टोर्स अगली बात